टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ फसलों की कीमत को लेकर इस साल किसानों के मन में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहले किसानों का मानना था कि सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, इसलिए कीमतों में तेजी के बावजूद बाजार में सोयाबीन की आवक नहीं बढ़ी। कपास के मामले में हालांकि यह तस्वीर अंतिम चरण में देखी जा रही है। कपास की बिक्री शुरू होते ही भाव 8,000 रुपये से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों को भरोसा है कि उत्पादन में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण भविष्य में कपास की कीमतें बढ़ेंगी। नतीजतन मराठवाड़ा में कपास की आवक पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। किसान बिना अपेक्षित भाव के कपास नहीं बेचने का फैसला कर रहे हैं। इस वर्ष कपास के रकबे में तेजी से गिरावट आई थी, जबकि सोयाबीन के रकबे में वृद्धि हुई थी। बारिश से फसलों को हुए नुकसान के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई है। सीजन की शुरुआत में कपास की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब जबकि कपास की कटाई के अंतिम चरण में है, किसानों ने कटी हुई कपास को सीधे व्यापारियों के पास ले जाकर स्टोर करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में कपास की कीमत 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को 10,000 रुपये की दर की उम्मीद है, इसीलिए अब भंडारण पर जोर दिया जा रहा है। इस साल उत्पादन पर अधिक व्यय होने के बावजूद बारिश के कारण किसानों को अपेक्षित फसल नहीं मिली है। ऐसे में किसान अपनी उपज के उचित दाम की उम्मीद कर रहे हैं। कपास की आवक बढ़ने से कीमतों में तत्काल गिरावट आई है। कपास की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल है और इसकी कीमत सीधे 8,000 पर गई है, इसलिए किसानों को कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है। नतीजतन औरंगाबाद जिले के महत्वपूर्ण माने जाने वाले पचौड़ बाजार में कपास की आवक कम हो गई है। मार्केट टाइम्स टीवी, आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।